हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेल गाइस, इस वीडियो में यार आरआरबी पटना, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. एंड दिस इज माय वेरीफाइड एडमिट कार्ड एंड आई हैव गॉन थ्रू अ डीप एनालिसिस ऑफ व्हाट कुड बी द पॉसिबल कट ऑफ फॉर आरआरबी पटना, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 इज कंसर्न. ऑलराइट, वेल इससे पहले यार कुछ चीज़ें जानना जरूरी है. जैसे टोटल नंबर वैकेंसी इज 35,277 है और टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट अप्लाई किए थे दैट वॉज ह्यूज नंबर, दैट इज 1.37 करोड़. राइट, और जैसे यार अटेंडेंस की बात करें, अगर 60% अटेंडेंस लेके चलते हो तो इट इज़ गोइंग टू बी 82,20,000. एंड 70% अटेंडेंस के लेके चलते हो तो 95,90,000 होता. ऑन एन एवरेज मैं 65% लेकर चलता हूँ, उसके अकॉर्डिंग 89,05,000 स्टूडेंट होते हैं. मिनिमम कट ऑफ मार्क्स पे बात करना बहुत ज़रूरी है यार. जो गवर्नमेंट ने, आरआरबी ने, जो TCS ने नहीं, जो RRB ने डिसाइड किया, दैट इज़ 40% फॉर जनरल, OBC के लिए 30, SC के लिए 30 एंड ST के लिए 25. दिस इज़ अ मिनिमम मार्क्स यार. इफ़ यू आर गेटिंग लेस देन दिस देन यू आर गोइंग टू बी डिसक्वालीफाइड. एज लाइक कहीं तुम अगर जू में जाते हो, जो एंट्री फी होती है ना, उस तरह से अगर एंट्री फी नहीं दोगे तो अंदर तुम्हें अलाउ ही नहीं करेंगे. काइंड ऑफ राइट, समझ में आ गया होगा. राइट, एक और चीज़ है यार कि यार बहुत बंदे कन्फ्यूजन में है कि यार पोस्ट वाइज कट ऑफ निकलेगा क्या. यार खुद सोचो यार, पोस्ट वाइज कट ऑफ निकाल के भी क्या मिलेगा? ये मेरिट से थोड़ी बनना है ब्रो, मेरिट तो नहीं बनना है ना. तो बेसिकली यहाँ पे रेलवे ने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है, 20 times द नंबर ऑफ वैकेंसी. अगर 20 times द नंबर ऑफ वैकेंसी करते हो तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सेलेक्ट होने वाले हैं दैट इज 7,05,540 ओनली. या तो यार अब अगर 65% अटेंडेंस भी लेकर चलो, 89,05,000 में जस्ट 7,05,540 ही सेलेक्ट होंगे यार. जो आजकल यूट्यूब पे जो मजाक चल रहा है, 30 नंबर, 25 नंबर वाले भी सेलेक्ट हो जाएंगे. और यू खेडिंग विथ मी? हॉरिबल, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. और एग्ज़ाम का पैटर्न भी तो डिफरेंट था यार. और TCS ने एग्ज़ाम लिया था, कोई बच्चों का खेल नहीं. TCS ने बहुत ही क्लेवर, बहुत ही माइंडफुली क्वेश्चन किया था. अब ऐसा नहीं था फ्रॉम इस बुक से सारा क्वेश्चन आ रहा है, इस बुक से आ रहा है, इस क्वेश्चन को रट लो जो पहले रेलवेज में हुआ करते थे और SSC में हुआ करते थे कि प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ ले रहे हो, वही क्वेश्चन आया जा रहा है, उसी में ही बंदे हीरो बन रहे हैं. ऐसा कुछ भी नहीं था. इस क्वेश्चन का पैटर्न जैसे GS और GL 40 marks था, मैथ और रीजनिंग 30 marks था, तो लेवल भी ठीक ठाक था. इट वॉज नॉट लाइक एब्सर्ड वन, इट्स नॉट लाइक यू नो इट्स वेरी टफेस्ट वन. राइट, इट वॉज एन एवरेज मॉरे काइंड ऑफ क्वेश्चन वर आस्क्ड बाय द RRB. राइट, सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल कट ऑफ फॉर द RRB पटना? ये क्या हो गया यार, क्या लगता है? ऐसे टोटल नंबर जो वैकेंसी है पटना में दैट इज 1039 है. और जो बंदे एप्लीकेंट है, जो बंदों ने अप्लाई किए हैं, दैट इज 393,928 बंदों ने अप्लाई किया. और एक सीट के लिए 379 बंदे फाइट करने वाले. राइट, तो 2015 में क्या होगा यार? एक चीज़, क्या दिमाग है कि क्या यार, बहुत बंदे परेशान हो रहे हैं कि ये सर आप जो बताते हैं वो रॉ मार्क्स है क्या? नहीं यार, वो रॉ मार्क्स कैसे, इतना 75 नंबर के बंदे रॉ मार्क्स ले आएंगे? लाते हैं, बहुत कम लाते हैं यार. ये सब जो भी, जो 2015 का भी जो मैं बता रहा हूँ, ये नॉर्मलाइज्ड, जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, जो भी कट ऑफ बनता है वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे ही बनता है ब्रो. राइट, तो 2015 में जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स था, जो कट ऑफ बना था, जनरल के लिए था 63.03, OBC के लिए था 53.57, SC के लिए था 38.55 एंड ST के लिए था 26.69 था. ये तो 2015 की बात है. 2020 और 21 में क्या होगा यार, उसकी बात करो ना. अभी बताता हूँ यार,
जनरल की मेरे अकॉर्डिंग 63 to 65 ही 2015 वाला ही यहाँ पे भी सीन चलने वाला है, इससे ज़्यादा किस पे, क्योंकि ए एल पी में मैंने देखा था वहाँ पे 30 मार्क्स पे भी CBT2 में बंदे सेलेक्ट, इवन आई गॉट 72 बट आई वॉज फेल इन पार्ट बी, राइट, पार्ट बी ने द वॉइस लीव इट ब्रो। OBC में यार 55 से 58 भी आ रहा है तो तुम OBC के लिए तुम क्लियर कर लोगे, अगर SC में तुम्हें 50 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं, लाइक 51 52 भी आ रहा है तो इट्स फाइन फॉर यू ब्रो। एंड ST के लिए 40 टू 45 के बीच में भी नंबर तुम्हें आ रहा है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तुम्हें मिलता है, देन यू आर कम्प्लीटली इन फॉर द RRB पटना इज कंसर्न। व्हाट्स योर ओपिनियन, तुम्हारा क्या ओपिनियन है यार, कमेंट करो ना तभी तो पता चलेगा, विदाउट कमेंटिंग यू आर गोइंग टू नो नथिंग, इवन आई कैंट नो नथिंग इफ व्हाट इज गोइंग इन योर माइंड, राइट, तो कमेंट करो, देन ओनली द थिंग्स आर गोइंग टू बी अनवेल इन अ वेरी ल्यूसिड मैनर, राइट। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट, थैंक यू सर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक दिस वीडियो।